हेलो एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम कोलकाता। और आज मैं कोलकाता में हूँ, कुछ काम से आया था और सोचा कि आज फ्री था तो सोचा कि यहाँ कहीं घूम लिया जाए। तो आज मैं आया हूँ इको पार्क में और ये पार्क सबसे ही अच्छा लगा मेरे को। अब तक का जितने पार्क गए हैं उसमें से सबसे अच्छा पार्क मुझे यही लगा और बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर आए यहाँ पर, ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छा पार्क है। यहाँ का जो एंट्री फ़ी है वो ज़्यादा भी नहीं है, बस 30 रुपीज़ है पर पर्सन। और आप ज़रूर से आए यहाँ पे, आपको कुछ कुछ जगह दिखाएंगे, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो ये है यहाँ का मैप इको पार्क का, बहुत ही बड़ा है और पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो ये रहा यहाँ इको पार्क का व्यू। तो यहाँ पे जो इको पार्क का जो बगल में एक वैक्स का म्यूजियम है, मदर्स वैक्स करके नाम है, आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे में है, दिख रहा है कि नहीं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको वैक्स का जो पुतला होता है वो सब बना हुआ दिखेगा, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। तो अभी मैं मेरे जस्ट पीछे में देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रेन टाइप का। तो यहाँ पे दो तरह की ट्रेन चलती है, एक तो विदाउट एसी और एक एसी चलती है। तो आपको जो जिसमें भी सुविधा है, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं ये चीज़। जो बिना एसी वाला है वो 150 रुपये पर पर्सन है और जो एसी वाला है वो 250 पर पर्सन है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सजा के रखा गया है, फुल्ली मेंटेन है। आपको दिखाते हैं, ये पुल भी अच्छा दिख रहा है। चलिए चलते हैं यहाँ पे। एलोवेरा सब लगा हुआ है यहाँ पे। ये हुआ कैक्टस, बहुत से पौधा सब लगे हुए। तो ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और ये जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे सेंटर है, तो इसके जो लेफ़्ट साइड जाएंगे तो आपको एफिल टावर और जैपनीज़ वाला कुछ चीज़ है वहाँ पे, हमको उतना आइडिया नहीं है, चलेंगे वहाँ पे भी। और यहाँ मिडिल से राइट साइड जाएंगे तो आपको 7 वंडर्स देखने को मिलेगी। तो फिर अभी जाएंगे थोड़ा देरी में, अभी यहाँ का कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। To nobody else, walking on my own way, walking on my own way. तो दोस्तों आपको मैं अपना एक दोस्त से मिलाने चाहता हूँ जो कि यहीं पर खड़ा है, दिखाता हूँ कहाँ पे। ये देखिए, ये रहा मेरा दोस्त, ये रहा मेरा दोस्त टिनटिन और उसका डॉगी, दिखाता है। ये रहा टिनटिन और उसका प्यारा सा डॉगी, बहुत ही मस्त दिख रहे हीरो टाइप का। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टैचू बने हुए हैं, बहुत सारे स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे भी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है फ़ोटो खिंचाने के लिए, मस्त जगह है। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एसी ट्रेन बुक किए हैं जिसमें अभी जाएंगे, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ से नॉन एसी ट्रेन, जो कि हम लोगों को पड़ गया है 150 रुपये पर पर्सन। तो फिर चलते हैं अभी वहीं पर। तो अभी हम लोग जाने वाले ये वाला ट्रेन से, पूरा शिमला वाला ट्रेन है ये, हम लोग को घुमाएगा पूरा ये इको पार्क।
ये रहा हमारा ट्रेन इको पार्क का शिमला वाला, जहाँ से अभी हम लोग घूमेंगे पूरे इको पार्क को। तो हम पहुंच गए एफिल टावर, यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं एफिल टावर है, हम पहुंच चुके हैं एफिल टावर। Breathing and I'm living with no limits and nobody else. Walking on my own